मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीट पेपर लीक मुद्दे, नर्सिंग घोटाला, अग्निवीर योजना समेत अन्य मुद्दों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। भोपाल में नर्सिंग घोटाला समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले, जिन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेता घायल हो गए हैं। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। देशवासियों, नर्सिंग के परिवार वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमारा छात्र संगठन लड़ रहा है। छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, वाटर कैनन कर रही है, लोगों को घायल कर रही है। ये मैसेज है कि बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रौंद देंगे। नर्सिंग हो, व्यापम हो, पटवारी हो, अलग अलग तरह की कितनी भी एग्जाम, पीएससी की, यूपीएससी, पीएससी की जितने भी घपले और घोटाले हो, सब बीजेपी कराती है और उन्हीं लोगों के बच्चों के गले घोटती है जिन लोगों को वोट दिया। तो सोचो, समझो प्रदेशवासियों, देखो, जागो, बस यही अनुरोध। अब आप कल्पना करिए कि जिन्होंने नीट का पर्चा लीक किया है, जिन्होंने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधेरे में ढकेला है, वो मजे कर रहे हैं और जो उनकी खिलाफत कर रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी आपने प्रदर्शन में देखा कि छात्र अगर अपने भविष्य को अंधेरे में ढकेला जा रहा है तो इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या सरकार की पूजा करेंगे? आप देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छात्रों के मुंह पर मारी गई और किस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया, सारे चैनल ने उसको लाइव चलाया है, आप लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अनेक पत्रकारों के कैमरे खराब हो गए, उनको आंसू गैस से परेशानी हुई। ये अन्याय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से किसी आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। ये आंदोलन और बृहत रूप लेगा, प्रदेश व्यापी होगा और हम सड़कों पर उतरकर इसका प्रतिकार करेंगे। आंसू गैस छोड़ी गई, जो आप हालत देख रहे हो, लाठीचार्ज हो रही है और आंसू गैस भी ऐसी छोड़ी गई जो पुलिस वालों से भी, खुद से भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना काश अगर विश्वास सारंग के दर किया होता कुछ बच्चों के लिए तो कुछ अच्छी चीज होती। आज बच्चों की हालत देखो, कितने इंजर्ड हुए हैं, कितनों को लगी है और क्या हालत हो रखी है, आप खुद देख लीजिए। भ्रष्टाचार खत्म कर दें, इससे अच्छा तो है। नीट घोटाले, सारे जितने भी घोटाले हुए, व्यापम घोटाले, मध्य प्रदेश में जितने भी घोटाले चल रहे हैं इस समय सबसे अव्वल नंबर पे चल रहा है मध्य प्रदेश। बच्चों के समस्या को लेकर आए थे आज कि बच्चों के प्रदर्शन कर पाए, बच्चों की जो आवाज है वो पहुंचा पाए, उधर से जाने से पहले ही रोक दिया हमको। वहीं पुलिस का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी, समझाइश देने के बावजूद भी यह कार्यकर्ता नहीं माने तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सब आपने देखा है, आपके सामने ही है, जो जो गिरफ्तार हुए वो गई है, अभी उनको गिरफ्तारी करी, चूंकि यहाँ पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और पूर्व से घोषित कार्यक्रम था, पुलिस ने इन्हें यही रेड क्रॉस के पास रोका था। रोकने के लिए आवश्यक पहले पानी का बौछार भी किया गया, फिर भी नहीं माने तो फिर टीयर गैस का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।